जी, मैं हूं आपकी मेजबान सुमैर अंदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बिजनेस न्यूज प्रोग्राम करंट बिजनेस अफेयर। नाज़िर, आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आपकी मेजबान लाहौर में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सरपरस्त आला काटी मिनिस्टर डायरेक्टर दिनतू, इनसे जानेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद एज ए मिनिस्टर, हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप एज ए मिनिस्टर क्या मुश्किलात दरपेश है और अपने कैरियर में आप क्या अच्छा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुमैरा पहले तो आपका शुक्रिया कि आप स्पेशली कराची से आई हैं इंटरव्यू करने के लिए। ये जो मिनिस्टरशिप है ये केयर टेकर गवर्नमेंट है और इसका जो मैंडेट है थोड़ा सा लिमिटेड है और जो मेजर हमारा काम है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, असल मैंडेट है। इनको लाया जाता है कि जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं वो एक मेंटेन रह जाए, ऐसा ना हो कि गिर जाए। बट जाहिरी बात है इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और हमारी कोशिश है कि अगर हम हर रोज़ में इनका काम हल करते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, क्योंकि इस वक्त आपको पता है मुल्क की इकॉनमी सीरियस प्रॉब्लम में, क्राइसिस में है, इंडस्ट्री भी प्रॉब्लम में है। तो हमारा काम है कि उनके छोटे छोटे मसले, यानी कि एक आदमी क्राइसिस में और छोटी छोटी वजह से और वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उसको रोका जाए, तो उस पर मैंने पूरी जान मारी हुई है। मैं रंगियार खान चैम्बर खुद गया, मैं साहिवाल उखाड़े खुद गया, पर्सनली गया, मैं दो बार फैसलाबाद होकर आया हूँ, मैं मुल्तान गया हूँ, वहाँ पे जितनी एसोसिएशंस हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कमेटी फॉर्म की है, उसको कहते हैं पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी PCCCC, और जितने भी चैम्बर्स के जो हमारे मेम्बर्स थे, जो प्रेजिडेंट्स थे, सबको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने खुद इन्वाइट किया। चीफ मिनिस्टर साहब खुद साथ बैठे, मैं साथ बैठा, हर एक के मसले सुने और हल किए, यानी कि हल नहीं किए और हमने उनको साथ साथ हल भी किया। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड हैं, जो आजकल LC नहीं खुल रहे हैं तो उसके ऊपर लोग काफ़ी परेशान हैं, तो उसके लिए भी हमने उनसे वादा किया है कि नेक्स्ट वीक इसहाक डार साहब को भी हम यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं पंजाब में, और सारी बिजनेस कमेटी को उनके साथ बिठा के उसका भी कोई ना कोई सोलूशन निकालने पर काम कर रहे हैं। IMF की शराइत से आप अग्री करते हैं? देखिए, ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंस का सब्जेक्ट नहीं है। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हमारे अभी LC नहीं खुल रहे और हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, और रॉ मटेरियल जैसे आपको पता है कि सलाब की वजह से कॉटन भी ख़राब हो गई है। अब कॉटन अगर नहीं आती तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? अगर कॉटन नहीं आती तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? तो हम लोग उसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट से हर वक्त बहस कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको यहाँ भी इनवाइट कर रहे हैं। इसे मैंने पहले आपको बताया कि इसका मसले का हल निकाल के दें हमारे को। अपने टेन्योर में क्या नया करना चाहें? देखिए, मेरे नीचे डायरेक्ट जो अगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आते हैं, मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनी हुई हैं जिसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बनी है उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जिसमें ड्रेन का कनेक्शन, जैसे रंगियार खान में गया तो एक ट्रेन की लाइन दलनी है 2 किलोमीटर की, शेखुपुरा पे कायदे आजम अपैरल पार्क बन रहा है, उसकी मोटरवे से एग्जिट ही नहीं है। मैं 6 साल पहले उसका चेयरमैन भी था। अच्छा, और वो शुरू करके गया तो 6 साल से लेकर अब तक वो 20% बना। तो देखे ना, 6 साल पहले 100 रुपये की डॉलर की कॉस्ट थी, आज 300 रुपये हो गई है, तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है और काम नहीं हो रहा। तो ये मैंने अपने आप को एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट किए हुए, इनफैक्ट मैंने अपना KPI बनाया हुआ कि ये डिपार्टमेंट में ये काम होने, तो उसके ऊपर नंबर पीछे पड़ा हुआ हूँ। आप साहबजादे हैं SM मुनीर साहब के, आप उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं एज अ डायरेक्टर दिनतू, आप उस हवाले से क्या कहते हैं, क्या खिदमत आपकी? वालिद साहब ने अपनी सारी जिंदगी बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत में लगा दी। मैं भी यही चाहूँगा, ठीक है, मैं उनका 1% भी नहीं हूँ, बट मैं कोशिश यही करूंगा जो वो कर रहे थे मैं उसको पे रिस्पेक्ट करूं। 1% भी नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते। काटी के सरपरस्त आला हैं आप, उस हवाले से क्या कहेंगे कराची की इंडस्ट्रीज? काटी बहुत अच्छा काम कर रही है। काटी एक टाउन एसोसिएशन है, बट टाउन एसोसिएशन होते के बावजूद कराची की वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन है और वेरी एक्टिव, सुपर एक्टिव है,
और बहुत बहुत लोगों के काम वहाँ के रोडें बनाना, ड्रेनेज बनाना, लॉ एंड ऑर्डर, आजकल वो इसको कैमरेज लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। और काइट लिमिटेड में भी अभी इनको गवर्नमेंट से 100 करोड़ रुपए मिले हैं जिस पे ये रोडें डेवलप कर रही है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रेसिडेंट भी बहुत एक्टिव हैं जी, फराज़ुर्रहमान। एग्जैक्टली। बिजनेस कमेटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ बिजनेस कमेटी को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हालात हैं बुरे हालात से अच्छे हालात निकलते हैं। महंगाई बढ़े, डॉलर का रेट आगे पीछे हो, नहीं जी इसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर आपने काम करना छोड़ दिया और आप बैठ गए तो हर चीज़ बंद हो जाएगी। डेफिनेटली हालात अच्छे नहीं है, हम सबको पता है, पर अगर हम काम छोड़ के बैठ गए तो फिर क्या होगा? तो पाकिस्तान में एक साइकिल है कि रोलर कोस्टर आपने देखा था कि 71 में सारा नेशनलाइज हो गया, उसके बाद फिर इंडस्ट्री उठी, 91-92 में फिर इंडस्ट्री उठना शुरू हुई, 1200 रुपये की स्टॉक एक्सचेंज थी, आपकी 42,000 पे चली गई। तो अपॉर्चुनिटी इज़ देयर और हम सब अपने कामों पर लगे रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अच्छा वक्त आएगा। जी नाज़िम, जैसे कि आपने सुना जनाब एस एम तनवीर साहब को पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, बिजनेस पर्सनैलिटी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सुमैरा अनवर को। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह मेज़बान कैमरा मैन के साथ सुमैरा अनवर बिजनेस न्यूज़ प्रोग्राम।